हमारे संतों ने कहा इस अहंकार की मैं को मार दो, हो गया भजन। सात्विकता में जियो, हो गया भजन। मन को रोक दो, हो गया भजन। मैं को तो मारा नहीं, मैं करने वाले भेड़ बकरियों को मारने लगे। क्यों? क्योंकि वो मैं करते हैं। अरे उनका इशारा समझो, उस परम तत्व की ओर उन्होंने इशारा किया कि अपने अहंकार को नष्ट करो, अपने मैं को समाप्त करो, अपने आप को जगाओ, साधना में लगाओ, समर्पण करो परमात्मा के, जीव को जागृत करो, आत्म भाव में स्थित हो, ब्रह्म की ओर बढ़ो, स्वयं की खोज शुरू करो। और ये स्वयं की खोज जब हम बैठते हैं, किसी के हाथ में खुजली हो जाती है, किसी के पैर में, किसी की कमर में दर्द हो गया, किसी की आँखों में पानी आने लगा, किसी को उबासियाँ आने लगी, किसी को कुछ हो गया, बैठने के बाद हमारे विचार वहीं रहते हैं। फिर बोलते हैं हम भजन कर रहे हैं। जी भजन करने वाला विरला ही इस संसार के अंदर है। और जो भजन करते हैं, भजन का अर्थ होता है, मैं बोलता हूँ भज धातु से भजन बना है, कि भज और न, कि कुछ भी भजना ही नहीं। अगर आप पहले नाम किस लिए लिया जाता है, ताकि अनेक फैले हुए विचार हैं उनको हम इकट्ठा कर दें एक नाम के ऊपर, और नाम के ऊपर जब वो विचार रुक जाए, इकट्ठी हो जाए, सुरत हमारी फैली हुई इकट्ठी हो जाए, और सब विचारों से उठ करके एक रूप के ऊपर ध्यान लगे और नाम का जाप हो, फिर धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ोगे तो नाम भी छूट जाएगा, रूप भी छूट जाएगा, क्योंकि वहाँ ना नाम है ना रूप है। जब नाम और रूप ही नहीं, बुद्धि कैसे पहुँचेगी? वो अनुभव का विषय है। मेरे पास आते हैं कुछ लोग कि अब की बार हम सत्संग में नहीं आ पाए, गाड़ी में चल रहे थे, हमने आपका पूरा का पूरा सत्संग सुना। जब भी गाड़ी में जाते हैं बस चला लेते हैं और सुनते जाते हैं, बड़ा आनंद हुआ। ये मैं जो बोल रहा हूँ ये गाड़ी में समझ में आने का विषय नहीं है, ये गाड़ी में आप समझ नहीं पाओगे, क्योंकि इतनी अक्षमता बौद्धिक रूप से विकसित नहीं हुई है। लेकिन जब आप बैठ करके अपने कान और अपने बुद्धि को खोल करके सुनोगे, शब्द को समझोगे, और जब समझ करके शब्द के ऊपर पकड़ करोगे, फिर समझ में आ जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि तब भी अगर 5 बार 10 बार सुनने के बाद ये समझ आ गया तो समझो हमारा रास्ता खुलने लगा है। ये चलाओ सुनो गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, क्योंकि इधर उधर की चीज़ें सुनने से अच्छा है, और चीज़ें सुनने से अच्छा तो ठीक है सुनो, लेकिन अगर हमें समझना है क्या बोला, कैसे, किस कारण से ये शब्दों का प्रयोग क्यों हुआ, कहाँ तक शब्द पहुँच हुई, किस चढ़ाई की बात की, किस विषय के ऊपर क्या अर्थ निकलेगा, उसके लिए आपको ध्यान की आवश्यकता है। जब आप
ध्यान में बैठ करके सुनेंगे तो आपको ये पता लगने लगेगा जो हमारे संतों ने कहा है, जो हमारे महापुरुषों ने, महर्षियों ने, और जो हमारे जितने भी धरा के ऊपर रास्ता दिखाने वाले, उस परम तत्व तक ले करके जाने वाले आए हैं, ये वही रास्ता है और ये वही मंजिल है, और इसी रास्ते से वहाँ तक जाया जा सकता है। लेकिन इसके लिए ध्यान की आवश्यकता होगी। बिना ध्यान के आप अगर प्रयास कर रहे हो तो बिना लक्ष्य के अंधेरे में तीर मारने वाली बात है। अंधेरे में आप कितने भी तीर चलाओ, लक्ष्य के ऊपर जब लक्ष्य दिखेगा ही नहीं, जब लक्ष्य नहीं दिखेगा तो तीर किसके ऊपर मारोगे? आप कहीं भी ऐसे ही मारोगे, ऐसे ही कैसे निशाने के ऊपर लगेगा? तो बिना उसको ये पता हुए कि मुझे प्राप्त क्या करना है और मुख्यतः रास्ता क्या है, कौन कौन रास्ते में रोकेगा, कहाँ पहुँचना है, जब तक ये पता नहीं होगा आप उस परम तत्व तक नहीं पहुँच सकते। लेकिन जब आप साधना करोगे, दो चार घंटे बैठोगे उसके नाम के ऊपर, आपकी सूरत खुलने लगेगी। ज्ञान बाहर से इकट्ठा करने की, दिमाग के अंदर कूड़ा कचरा भरने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ये सब का सब कुछ साफ करने की आवश्यकता है। तो जब आप इस जो दिमाग के अंदर भरा हुआ है इसको खाली कर दोगे, साफ कर दोगे, ये सोच के मत बैठो कि विचारों को काटना है। कुछ लोग ये सोचते हैं ये नेगेटिव विचार आया है तो मैं इसको पॉजिटिव से काट दूंगा, तोड़ दूंगा। ये असंभव है, फिर पॉजिटिव विचार शुरू हो जाएंगे, है तो विचार ही। और विचार जब तक समाप्त नहीं होंगे तब तक परमात्मा कहाँ, कहाँ प्राप्ति हुई, क्या मिला, क्या साधना हुई? विचारों को ही समाप्त करना है। जो विचार आए उसको देखते रहो, वो अपने आप समाप्त हो जाएगा। दूसरा विचार पैदा मत करो। धीरे धीरे स्थिति ये हो जाएगी, उस विचार को देखना भी नहीं पड़ेगा, अपने आप ही तरंग उठेगी, मिट जाएगी, और फिर आपकी स्थिति अच्छी होने लगेगी। ना अगर आप इंद्रियों का ध्यान करोगे, इन चीज़ों का ध्यान करोगे, तो आप दलदल में चले जाओगे, कीच में चले जाओगे, आप स्थिति से नीचे आ जाओगे। लेकिन अगर आप उस परम तत्व का ध्यान करोगे, इंद्रियां अपने आप उठ करके ऊर्ध्वगामी हो करके बिना सोचे विचारे वहां तक आप अपने आप लेते चले जाओगे, स्थिति अपने आप वहां तक चली जाएगी। और जब स्थिति इतनी ऊंची होगी कुछ सोचना और विचारना नहीं पड़ेगा।